लो अभी अब वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए भाई जल्दी से पहले आप बता दीजिए क्या आप सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है जल्दी बताइए वीडियो एंड ऑडियो दोनों को चेक कीजिए दोनों ही क्लियर होनी चाहिए फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी बताइए भाई क्या वीडियो और ऑडियो दोनों ही क्लियर है यस 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 वेरी वेरी गुड इवनिंग मनोज निकिता चलिए आप लोग सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बॉन्डिंग में ऑलरेडी आप लोगों को डीयूबीएस के बारे में पहले ही करा चुका हूँ बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे रहे होंगे वो कोई इशू नहीं है वो हो जाएंगे वो इजी है जीओसी के ऐप के ऊपर चल ही रहे हैं हो चुके हैं बीबीएस के रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म रोज चलते हैं रात को दस बजे आज भी आकाश सर की क्लास होगी ठीक है संडे को थर्मोडाइनमिक्स uh, जो है उसके प्रीवियस ईयर ठीक है सॉलिड स्टेट के बाद मैं और जो टॉपिक्स हैं एक एक करके दैट मीनस इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपके एग्जाम से काफी पहले डी और बी का एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाएगा तो आप लोग सभी लोग प्रेजेंट रहिए जब भी क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं और एक्स्ट्रा टाइम में आप लोग जो थियरी है उसको देखते रहिए ठीक है चलिए वेरी गुड तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पाउडर डिफ्रेक्शन शोज लाइन विच इंडिकेट एज यानी ये वो मिलर इंडेज वाले प्लेन्स हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था कि कौन कौन से प्लेन से रिफ्लेक्शन मिलती है प्लेन से टू जीरो जीरो से है यानी इन सब से रिफ्लेक्शन मिलती है आप जो अगर क्लास की नो, नोट्स को ध्यान से रिवाइज करेंगे तो मैंने आप लोगों को सिलेक्शन रूल्स लिखवाए हुए हैं सिलेक्शन रूल्स मैंने बताया था कौन से टाइप की यूनिट सेल किन प्लेन पर रिफ्लेक्शन देती है राइट right? मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक ऑल प्लेन यानी ऑल एच के एल की वैल्यूज पर रिफ्लेक्शन देती है बीसीसी जब भी एच प्लस के प्लस एल की वैल्यू इवन होगी तभी रिफ्लेक्शन मिलेगी और एफसीसी या तो एच के एल तीनों के तीनों ओड हो या तीनों के ती, तीनों इवन हो, ठीक है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं तो आप जानते हैं कौन से वाले के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है yes, very good, very good. B, which is BCC. देखो थ्री वन फोर टू 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 सिक्स थ्री टू वन सिक्स फोर जीरो जीरो यानी हर बार जब भी जोड़ोगे इन तीनों का सन इवन है और अगर ऐसे ही प्लेन रिफ्लेक्शन मिलता है तो वो बीसीसी है क्लियर है इसके अलावा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस राइट लाइक दिस चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को हम करेंगे तो एज इट इज क्वेश्चन पेपर में नजर आएंगे रिपीटेशन बहुत बार है पेपर में जल्दी से बताइए भाई काफी ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है इस पार्ट के लिए आपको पूछा है एक फॉर्म है कैल्सियम कार्बोनेट की राइट जिसमें ए बी सी ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है तो आप सभी लोग जानते हैं ऑर्थोरोम्बिक लैटिस जो है उसकी तीनों साइड अलग होती है दैट इज आपको ए बी और सी तीनों अलग अलग करके दिया हुआ है डेंसिटी गिवन है और पूछा है नंबर ऑफ कैल्शियम आयन पर यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल इज बोलिए भाई तो आप जानते हैं देखिए बेटा कैसे करना है मैं समझा देता हूं डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था Z M एडो नंबर इनटू क्यूब होता था ए क्यूब तब होता था जब यूनिट सेल कैसी होती थी क्यूबिक अगर यूनिट सेल क्यूबिक नहीं है और थोरम्बिक है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे मैंने क्लास में पढ़ा है ए इंटू बी इंटू सी तो देखिए आपको क्या क्या पता है आपको एवोक नंबर की वैल्यू पता है डेंसिटी याद रखिए क्या है थ्री ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है राइट जबकि ए बी सी जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग में है तो आप उनको सेंटीमीटर में कर लीजिएगा सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, सेंटिमेटर में. मोलर मास कैल्सियम कार्बोनेट का होता है हंड्रेड ग्राम पर मोल यहां से आ जाएगा Z आपको यह समझना है Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है Z रिप्रेजेंट कर रहा है एक मिनट सेल में कितने नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हैं और आप जानते हैं जितने नंबर ऑफ कैल्सियम कार्बोनेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे कैल्शियम आयन भी होंगे क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म बाय कैल्शियम टू प्लस आयन एंड कार्बोनेट आयन तो आपसे नंबर ऑफ कैल्शियम आयन पूछा है जेड कैलकुलेट कर लीजिए उसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा आंसर आई गेस मेरे पास इसके नहीं होंगे या है मेरे पास मैं एक बार चेक कर लेता हूं इसका आंसर होना चाहिए सी चलिए भाई सी यानी कि फोर अच्छा एक बात और बताई दूँ आप लोगों को जब आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे बेटा तो कई बार आपको लगेगा सर एग्जैक्ट आंसर फोर नहीं आया है थ्री पॉइंट समथिंग आ गया है या फोर गया है तो आपको ना एग्जैक्ट फोर नहीं आएगा क्योंकि कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी है तो फोर के अप्रोक्स होगा अगर टू के अप्रोक्स हुआ तो बीसीसी हो जाएगा वन के अप्रोक्स हुआ तो आप समझ जाइए सिंपल क्यूबिक है तो ये पेपर में कई बार कंफ्यूजन आ जाता है कि बच्चों का बिल्कुल सारा एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं करता है तो आपको क्या करना है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम पिछले लास्ट टेन इयर्स से कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है वैसे तो फाइव इयर्स के भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं एक कंपाउंड है एक अलॉय है पी और क्यू से मिलके बन रहा है जब आप अपना आंसर लिख रहे हैं बेटा तो प्लीज ऐसे लिखिए थ्री का ए है या थ्री का बी है या 3 का सी है, है आप ऐसे ही ए बी सी डी मत लिखते जाइए मुझे किसी के भी आंसर का कोई आईडिया नहीं लग रहा है राइट right? चलिए थर्ड का आंसर क्या लगता है आप सभी लोगों को बहुत ही इजी क्वेश्चन है डोंट टेक टाइम सारी चीजें बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ाई है थर्ड का आंसर क्या है भाई तो पी जो मेटल है P कॉर्नर पे है क्यूब के एंड क्यू कहां है P पे तो पी वन क्यू थ्री थ्री शुड बी द करेक्ट आंसर मेरे को किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों आया है राइट वेरी गुड बिल्कुल हम टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं यहां कोई बातें नहीं कर रहे हैं हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं तो इसलिए सीधी सीधी जल्दी जल्दी बेटा वेरी गुड फोर्थ कंसिडर दिस टू बी द क्वेश्चन नंबर फोर कौनसी वाली जो पैकिंग है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में काउंट होती है चलिए बताइए भाई कौन सी वाली जो पैकिंग है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में काउंट होगी इसका एक से ज्यादा सही आंसर लग रहा है मुझे ठीक है आपको मैंने पढ़ाया है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कौन से हैं हेक्सागोनल क्लोज क्लोज पैकिंग पैकिंग एंड क्यूबिक तो ये दोनों ही आंसर होंगे इसके दिस एंड दिस याद कीजिए एबीएबी से एच सी पी बनती थी पी क्लियर है अरे है भी तो कितने दस साल पुराने क्वेश्चन पेपर है हो सकता है क्वेश्चन में एरर है अब कहा जाके ढूंढे इन चीजों को पर आपको बता दिया है हमें कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है हम इसी कॉन्सेप्ट से वर्क करेंगे वेरी गुड काफी बच्चों ने सही आंसर कर दिया है चलिए भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर फाइव समझिए इसको क्या कर दिया है इसको क्वेश्चन नंबर फाइव समझिए इन क्यूबिक क्रिस्टल टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मैंने क्लास में एक एक चीजें बताई हैं कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है कितनी सेंटर ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ सिमेट्री तो एक्चुअली एक ही हो सकती है नहीं होगी चलिए भाई जल्दी से सही सही आंसर करके चले जाइए क्यूब के अंदर टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कितनी है भाई क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन नंबर लिखा हो कितनी बार समझाऊं वेरी गुड अच्छा फाइव का आंसर डी मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट क्लोजनेस जो सही आंसर है उसके क्लोज है आप जानते हैं नाइन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है थर्टीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में प्रॉपर रोटेशनल एक्सिस है राइट right? और वन सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने क्लास में ही लिखवा रखा है देर आर ट्वेंटी थ्री एलिमेंट ऑफ सिमिट्री इन क्यूब तो याद रखना इन्होंने इम प्रोपर रोटेशनल एक्सिस को बिल्कुल भी काउंट नहीं किया है ठीक है उसको काउंट करने के बाद इससे ज्यादा ही आते तो वो ऑप्शन में वैसे भी गिवन नहीं है तो फालतू का कंफ्यूजन हम क्रिएट नहीं करेंगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लैटिस एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है बताओ भाई लाइटिस एनर्जी जो है लेटिस एनर्जी के लिए आप किसके कैसे सोचेंगे बॉन्ड लैंड इक्वेशन पूरा चैप्टर पढ़ाने का मतलब ही यही है कि अब आप, आप जैसे ही इन वर्ड्स को नोटिस करें तो आपको एक ही केमिकल इक्वेशन एक ही मैथमेटिकल इक्वेशन याद आनी चाहिए और वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए बॉन्स लैंडेज इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाई है और मैंने क्लास में बोला भी था अगर याद है तो बहुत खुशी की बात है तो बोन लैंड इक्वेशन में मैंने बताया था जो लैटिस एनर्जी है पूरी इक्वेशन पता थी मेडलिन कांस्टेंट है जेड प्लस जेड नेगेटिव ई स्क्वायर है वन वन माइनस वन बाई एन एन बोन एक्सपोनेंट है याद होनी चाहिए आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वन बाई डी डी था इंटर आयनिक डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ कीटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनायन तो आप जानते हैं जितना छोटा साइज होगा कैटायन और एनायन का यह है साइज ऑफ कैटायन साइज ऑफ एनायन साइज ऑफ कैटायन

मेडलिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो लाइटिस एनर्जी बढ़नी चाहिए आयंस आर न्यूट्रल भाई न्यूट्रल होंगे तो चार्ज नहीं रहेगा तो चार्ज नहीं रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगी चार्ज ऑन द आयंस आर स्मॉल और मैंने बताया था लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लू क्या है Z plus, Z प्लस नेगेटिव अगर चार्ज भी कम होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ लेटिस एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो चारों ऑप्शन लॉजिकली समझ में आ रहे हैं आप लोगों को सोचना क्या है हमेशा याद रखिए पेपर में बैठेंगे एनर्जी से बात चल रही है या तो बॉन्ड बॉन्डर साइकिल से आंसर दीजिए बॉन्ड इक्वेशन से आंसर कीजिए अपने थियोटिकल कॉन्सेप्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है मैंने क्लास में हर बात बताई होगी वो आपको समझ में आ जाएगी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा वेंडरवॉल रेडियस सॉरी एकदम नॉट वैंने वेंडरबोल क्यों बोल दिया रेडियस रेशियो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है अगर रेडियस रेशियो गिवन है कितना 0.213 तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटाइन क्या होगा कितना आसान सवाल है सारे डेटा को रिवाइज कर लीजिए पॉइंट वन फाइव फाइव से पॉइंट टू टू फाइव के बीच टू टू फाइव पॉइंट फोर वन फोर के बीच पॉइंट फोर वन फोर ये तो सिर्फ कंक्लूजन है बेटा मैंने पूरा एक लेक्चर दिया दो घंटे का आप जानते हैं इस पे मैंने सिर्फ आपको ये नहीं कह दिया रेडियस रेशो को याद रखो मैंने एक एक डेरिवेशन पूरी डिटेल में समझाई है ये रेडियस रेशियो है क्या होता है रेडियस रेशियो लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो सारी बातें हमने पढ़ी है क्लास में रेडियस रेशियो बताओ कौन से वाले में आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट टू वन थ्री पॉइंट टू वन थ्री जो है इससे छोटा है दैट इज द करेक्ट आंसर शुड बी बोलिए भाई क्या होना चाहिए सी वेरी वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सेवन का सी वेरी गुड वेरी गुड इस बार बेटा जल्दी कुछ भी हो जाए अच्छी रैंक ही लेके आनी होगी हमें ठीक है मेहनत करना होगा और आप लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं और आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आएंगे तो आपके बारे में बात बननी शुरू हो जाएगी कि पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं है ये ठीक है तो समाइम्स हमें अपने आप को प्रूव करना होता है और ये आपका टाइम है अपनी लाइफ में अपने आप को एक बार प्रूव करने का ठीक है जैसे आप लोगों ने कभी ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो आपने अपने आप को प्रूव किया था जिसकी वजह से थोड़ी फ्रीडम आपको मिली आपको पढ़ने के चॉइसेस मिली लाइफ में इसी तरीके से अब आईआईटी में अगर आप पहुंचते हैं तो आपकी लाइफ को एक बहुत बड़ी फ्रीडम मिलेगी आपको वहां से सेल्फ सफिशिएंट होना सिखाया जाएगा आई में आपके आसपास कोई नहीं होगा आप ही होंगे आप ही अपने चैलेंजेस देखेंगे फ्रीडम होगी हर चीज़ को अपने हिसाब से यूज करना स्टार्ट करेंगे आप लोग सारी पढ़ाई वगैरह खुद देखनी होगी तो दिस इज द टाइम वैन यू प्रूव योर सेल्फ अगर अब नहीं होता है तो पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी क्योंकि जब तुम्हें टाइम दिया यू कूडन डू इट तुमसे उस टाइम बेस्ट काम नहीं हुआ अपना तो फिर अगर पेरेंट्स बोलते हैं यह एडमिशन लो तो चुपचाप ले लेना क्योंकि तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो अपने आप को ठीक है फ्रीडम वही मांग सकता है काफी अच्छा क्वेश्चन है सिंपल क्यूबिक सिस्टम है स्पेसिंग जो है पूछी हुई है क्या रेशियो है वन d110 एंड d111 जल्दी से आंसर कीजिए अज्यूमिंग इट टू द क्वेश्चन नंबर 8 स्पेसिंग की बात चल रही है मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाया और पढ़ाते वक्त मैं आपको बता भी रहा था कि कितना इजी क्वेश्चन होंगे हम तो यहाँ फालतू में इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पेपर के क्वेश्चन देखो जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है कितना इजीली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अभी लेके आऊंगा नेक्स्ट भाई ट्वेंटी अप्रैल को एक लाइव बैच है और जो लास्ट लाइव बैच है इन देंस आई टी जेम डी यू बी एच यू के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट होगा लाइव का मतलब ये है कि सारे टॉपिक्स जो हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में तो ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं बट टॉपिक्स को मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा चाहे केमिकल हो आयनिक हो फेज हो जाए कोई भी टॉपिक हो कोर्डिनेशन ऐप के अंदर ही सारी क्लासेस होंगी पूरा लाइव होगा क्योंकि एक ईयर में हम एक से ज्यादा लाइव बैच चलाने में हम बताए हेक्टिक हो जाता है रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेंगी सारी चीजें लेकिन आप लोगों को लाइव पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा तो अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर एट का क्या आंसर किया है सभी बच्चों ने एट का ए आंसर किया है वेरी गुड देखिए आपको क्या ध्यान रखना है बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि डी निकालने का फॉर्मूला क्यूबिक सिस्टम के लिए क्या है क्यूबिक सिस्टम के लिए मैंने इस फॉर्मूले को शॉर्ट करवा के निकलवाया था ए अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर देखो हमें कोई मैथमेटिक्स करते वक्त पेन चलाने की जरूरत नहीं है वन जीरो जीरो तो ए आ गया ये वन जीरो जीरो इसके लिए क्या आ गया ए वन वन जीरो ए बाई रूट टू वन 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 ए बाई रूट थ्री रेशो निकाल लो ए को बाहर निकाल दो दिस शुड करेक्ट आंसर आप टेंशन मत लीजिए भाई जो टॉपिक पढ़ाए हैं एज इट इज क्वेश्चन आते होंगे आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस अच्छे से थियोरी को रिवाइज करवाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन मान लीजिए इसको ये तो क्या बकवास सवाल आगे, इसको मैं टाइम ही नहीं दे रहा हूँ एफ सी सी में एक कितने टर्म प्रेजेंट होते हैं तो आपकी किस्मत अगर खराब हुई तो इतने आसान क्वेश्चन भी आ सकते हैं मैंने क्यों कहा आपकी किस्मत खराब हुई तो क्योंकि अगर किस्मत खराब होगी और इतना आसान सवाल आ गया तो सब सही कर देंगे तो जिस टॉपिक में हमने इतनी मेहनत की है और उससे बहुत ही इजी सवाल आ जाता है तो फिर हमारी वो मेहनत किसी काम नहीं आती है तो वो इसलिए कहते हैं लक भी कभी कभी मैटर करता है पर याद रखिए लक उसी का काम करेगा जिस जो पूरी मेहनत करके आए हो सकता है इस टॉपिक से आसान हो अगला वाला जरूरी है तो आप अच्छे से पढ़ते जाइए थ्री इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपके हिसाब से क्या आंसर है पहले मुझे वो आंसर बताइए जल्दी बताइए यानी एक ज्यादा टफ क्वेश्चन भी आता है कभी और दो बार आ चुका मेरे yes, yes, yes. है मेरे हिसाब से में रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसको नाइन मानिए पिछले वाले को क्या माना था हमने सॉरी क्वेश्चन नंबर इज टेन जल्दी बताइए टेंथ का आंसर आपको क्या लगता है मैं का स्ट्रक्चर बता देता हूं कैसा सी ए थ्री से तो पेपर में क्वेश्चन आ ही सकता है टिफर में आया हुआ है सीए थ्री भाई मैंने कल भी आप लोगों को जब पढ़ा रहा था ऑन अन ऐप ठीक है अन अकेडमी ऐप पर भी पढ़ा रहा हूँ मैं कहीं भी पढ़ा रहा हूँ फ्री पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे कोई किसी के चार्जेस नहीं है जस्ट बी प्रेजेंट इन द क्लास ठीक है एटलीस्ट एक बार आइए देखिए आपके काम की चीज़ें चल रही हैं तो इतनी सारी लाइव क्लासेस रोज लेता हूँ मैं एटलीस्ट दो तो लेता ही हूँ ओ एम सी की क्लास चल रही है अन अकेडमी ऐप यूट्यूब पे और एक रात को दस बजे दस बजे वाली क्लास मस्ट है सभी के लिए ठीक है रात को दस बजे लेट के करते कुछ हो नहीं वैसे भी तुम थोड़ी देर क्लास अटेंड कर लिया करो थ्री बता रहा हूं कैल्सियम जो है वो बॉडी सेंटर पे होता है ये टाइटेनियम फोर प्लस है राइट कैल्सियम कहां होगा कैल्शियम इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर इसका साइज बड़ा है और इसके अलावा लास्ट हर एक एज के सेंटर पे ऑक्साइड आयन है ये होता है प्रवोस्काइट स्ट्रक्चर और आप लोगों से मैंने कल की क्लास में ही डिस्कशन किया था इसका क्वेश्चन नंबर क्या होगा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो परवोस्काइट ऑक्साइड की मिक्स एक टाइप से मिक्स ऑक्साइड होती है जिनका जनरल फॉर्मूला ए बी एक्स थ्री टाइप होता है तो क्या आंसर दिया है सबने टेंथ का यस 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 टेंथ का नहीं बेटा इस फॉर्मूले से मैच करती हुई होती हैं और देखो ए तो मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि कैल्शियम पे अगर प्लस टू चार्ज है और टाइटेनियम पे प्लस चार्ज है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज

अन अकेडमी का लिंक जो है बेटा आप लोग अनकेडमी ऐप पर जाइए ठीक है या तो आप अभी मुझे वाट्सअप कर दीजिए या इस नंबर सेवन जीरो फोर टू सिक्स जीरो एट टू सेवन फाइव पे या ट्रिपल एट टू फोर एट पर कॉल कर लीजिए आप पूछ लीजिए कि आलोक सर जो अनकेडमी ऐप पर क्लास ले रहे हैं वहाँ आपको सब नजर आ जाता है एक बार आपको जस्ट मेरी प्रोफाइल में जाना है अगर वो ढूंढने में दिक्कतें हैं तो आप इनमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए इस पे कॉल कर सकते हैं इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए और वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे फिर एक बार आपको पता चल जाएगा प्रोफाइल मिल गई आप फॉलो करके रखिए आपको पता चल जाएगा कौन सी क्लास कितने बजे है, है? तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर चलिए भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन करिए कंसीडरिंग दिस टू बी क्वेश्चन नंबर इलेवन जल्दी जल्दी करते रहो यार ठीक है यूट्यूब पे हम तभी लाइव आएंगे जब हमें डिस्कशन करना है और जल्दी जल्दी खत्म करना है मेरे को यहां कोई इतने ज्यादा बच्चे इकट्ठे करके कुछ प्रूफ थोड़े करना है किसी को ना खेल खेलने हैं कुछ जैम सेक्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि अकेडमी ऐप पर अभी मैं सीएसआर नेट वाले सेक्शन में अवेलेबल हूं तो जैम सेक्शन में मत जाइए डमी ऐप पे जाएंगे आप तीन लाइन मिली मिलती है फ्री को क्रैश कोर्स या फ्री ए, लाइव क्लासेस ऐसे करके ए, स्पेशल क्लासेस करके जाएंगे सी एस नेट वाले में उसमें आपको मिल जाएगा और मैंने आपको बता दिया उन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कर लेना तो आपको डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाएगा ठीक है चलिए भाई जल्दी से बताइए इलेवंथ का सीजियम फ्लोराइड एनडीए के स्ट्रक्चर को अडोप्ट करता है यानी रोकसॉल्ट स्ट्रक्चर है अगर एजलेंथ जो है 4.02 पॉइंट है वट इज द शोटेज डिस्टेंस बिटवीन द कटाइन एंड अनाइन इन द क्रिस्टल बताइए देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाएंगे बहुत ईजी है बोलिए बेटा सीजियम क्लोराइड किसके ऐसे स्ट्रक्चर रखता है आंसर है सोडियम क्लोराइड विच मीन्स अगर सोडियम क्लोराइड होता है तो उसमें जो पैकिंग बना रहा होता है वो कहां प्रेजेंट होता है एंड फेस सेंटर पे, राइट right. और ऑक्टाइडल वर्ड में दूसरा जो वर्ड के अंदर प्रेजेंट होगा, ये है इस टाइप की अरेंजमेंट होती है रोकसोल्ड स्ट्रक्चर आपसे पूछा है अगर एजलेंथ लेंथ 4.02 है तो टन और एनएन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा हाफ हो जाएगा डिवाइड कर दो टू पॉइंट जीरो वन इलेवंथ का ए आंसर करेक्ट होना चाहिए था वेरी गुड क्या कर रहे हो बेटा गलत आंसर क्यों कर रहे हो भाई सारी बातें ध्यान से पढ़ाई है आप लोगों को एक एक चीज में कह रहा हूं क्लास में इसके बारे में बताया है देर इज पॉइंट आप लोग अब भी गलती करें ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मानिए से इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को करने की कोई लिखने की जरूरत नहीं है बता देता हूँ क्या करना है बीसीसी में यानी कभी कभी बहुत ही इजी क्वेश्चन भी आता है बीसीसी में सेल में कितने एटम आ जाते हैं टू कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की द वॉयलेट कलर ऑफ द एन क्रिस्टल इज ड्यू टू देखिए इससे हमें यह पता लग रहा है कि डिफेक्ट के बारे में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और हर एग्जाम के जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उससे यही आइडिया लगता है कि वो किन टॉपिक को एग्जाम में प्रेफरेंस देता है डिफेक्ट के देखो हमने 2011 से स्टार्ट किया था एक क्वेश्चन देखने को मिला है और वो भी कितना इजी है तो डिफेक्ट की सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आप सभी को ध्यान से देखनी थी मैंने बताया था एन एस के क्रिस्टल को सकली हीट भी करते हैं अगर तो क्या होता है कुछ एन प्लस अपनी पोशन को छोड़ के सर्फेस पे चले जाते हैं तो उस केस में एफ सेंटर जनरेट हो जाता है तो जो कलर है वो आने का रीजन क्या है एफ सेंटर है बहुत डिटेल में पढ़ाया है तो ऐसी वीडियोस को जस्ट एक बार गो थ्रू कर लिया करो समझ रहे हो तो जो वीडियोस हैं स्पीड बढ़ाओ जल्दी से देखो चैप्टर पूरा अच्छे से करके चलो ठीक है नहीं नहीं शॉर्ट की डिफेक्ट डिफेक्टेक्ट मत करो उसने डिफेक्ट नहीं पूछा है कलर आने का रीजन पूछा है अगर वो डिफेक्ट का नाम पूछता तो एफ सेंटर नहीं होता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर मान लीजिए इसको पुराने वाले को क्या माना था हमने थर्टीन था ये फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आइए भाई बताइए ये क्वेश्चन भी रिपीट कर रहे हैं इन्हें शर्म नहीं आ रही फोर्टीन को कोई जरूरत कर नहीं करने की फिफ्टीन पे आइए देखिए फिर से रिपीट क्वेश्चन है कि पोटेशियम प्लस मैग्नीज प्लस माइनस चार्ज बैलेंस जनरल फॉर्मुला ए तो इससे आपको समझ में आया मैंने क्या कहा मैंने कहा आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर की क्लासेस अटेंड कीजिए क्योंकि एज इट इज से रिपीट होते हुए नजर आएंगे देखो कितनी बार रिपीटेशन हो रहे हैं टू यही क्वेश्चन ट्वेल्व में टेन ट्वेल्व में और फिफ्टीन में भी था तीन बार रिपीट हो गया पांच साल के अंदर ये वाला क्वेश्चन तो, तो बी एस में बहुत ज्यादा चांस है रिपीट होने का देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन ट्राई दिस क्वेश्चन बेटा चलिए जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हीट करने पर वो किसके जैसा हो जाता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर यानी एन का हो का जैसा हो जाता है तो व्हाट इज व्हाट हैपन्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन देखिए जो भी पढ़ाया है आप लोगों को मैंने बताया था एज इट इज क्वेश्चन होते हैं वो नए क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं आपको मैंने सारी थियोरी पढ़ाई हुई है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोग सभी आंसर बिल्कुल सही देंगे चलिए भाई इस क्वेश्चन को क्या मानना है हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा ये सिक्सटीन जल्दी से बताइए सिक्सटींथ का वेरी गुड आप जानते हैं सीजियम क्लोराइड मैंने पढ़ाया है एट इज टू एट है आप हीट कर रहे हैं एन ए सी एल की तरफ जा रहा है होता है तो सीजियम अगर इस कॉन्फिग्रेशन से यहां जा रहा है तो एट से सिक्स की तरफ को जा रहा है चेंजेस फ्रॉम एट टू सिक्स और वैसे भी आप जानते हैं हीट करेंगे तो कोर्डिनेशन नंबर कम ही होगा आइटम्स दूर भागेंगे वेरी वेरी गुड चलिए भाई क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे आइए कौन से टाइप की यूनिट सेल के बारे में बात चल रही है जल्दी बताइए कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो मोनोक्लिनिक या ट्राईक्लिनिक में से हो सकता है ये दोनों तो हो ही नहीं सकते और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता है देखो कैसे अगर पैरामीटर भूल भी जाते हो पेपर में तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लिया करो जब कोई भी साइड इक्वल नहीं है दो ही पॉसिबिलिटीज है और ट्राईक्लिनिक क्या था वो तो सभी जानते हैं अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू नाइनटी यानी सब तो या ऐसा तो है नहीं तो ट्राईक्निक भी आंसर नहीं हुआ तो आंसर क्या हो गया है मोनोक्लिनिक आपको एक काम की बात और बता देता हूं मैं कि बीटा इक्वल टू नाइनटी तो है ही तो बीटा नाइनटी से बड़ा होता है और मोनोक्लिनिक मार्क करके लिख लेना अगर पेपर में ये तो लिख दिया कि बीटा इक्वल टू नाइनटी जनरली बीटा नाइनटी से ग्रेटर होगा वेरी वेरी गुड बेटा आप सब लोग सही आंसर कर रहे हैं मिलर ऑफ़ द प्लेन विद ए सिक्स बी एंड इन्फिनिटी क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था किसी भी प्लेन के इंटरसेप्ट गिवन हो मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं तो जल्दी से बताइए इट टू द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोगों को मैंने राइट राइट मैंने पूरा टेबल बनाया था और पूरा टेबल समझाया था ये नहीं कहा था कि रट लेना से मैंने पूरे टेबल में हर एक ज्योमेट्री को डिटेल में समझाया था कि इसमें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिमेट्री काफी सारी बातें बताई हुई थी उस टेबल का एक छोटा सा पार्ट आपसे पूछा है तो सोचिए कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में बोलिए भाई का आंसर क्या है एटींथ है क्या ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ राइट 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 यू आर राइट दिस इज एटीन मैंने आपको बताया था चार स्टेप्स याद रखने हैं मिलेज निकालने हो जब भी प्लेन के इंटरसेप्ट गिवन हो क्या फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द क्या है फोर सिक्स एंड इनफिनिटी सेकेंड स्टेप टेक द रेसिप्रोकल वन बाई फोर वन बाई सिक्स वन बाई इन्फिनिटी क्लियर है नेक्स्ट इस मल्टीप्लाई बाय एन इंटी स्मोलेस्ट इंटीजर टू रिमूव द फ्रैक्शन तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप फ्रैक्शन हटाने के लिए बोलिए से 12 से मल्टीप्लाई करते ही थ्री टू जीरो वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो ही हुआ ना थ्री टू जीरो दिस इज द करेक्ट मिलर इंडिसेस ठीक है तो जो बातें सिखाई हैं उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी मैं बार बार यही कहता हूं क्या मैंने आप लोगों को कहा कभी भी असाइनमेंट कर लो ये कर लो वो कर लो नहीं ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है क्लास में बहुत चीजें सिखाई हैं क्लास की थियोरी अच्छे से पढ़ो एंड देन किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर टूट पे पड़ो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पे आ रहे हैं भाई देखिए फिर से मेरे को रिपीटेड लग रहा है क्वेश्चन ये वन वन जीरो टू वन वन टू टू जीरो थ्री वन जीरो रिपीटेड है किस टाइप की बीसीसी चल चलिए देखा तो बी एच यू में बहुत ज्यादा रिपीटेशन है ऐसे समझ लीजिए जो चीज कर ली यार उसको बार -बार नहीं करेंगे इसको कौन सा क्वेश्चन पे आ गए क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अरे यार इनको तो शर्म ही नहीं आती यार है ये क्या चीज है अभी करके दिखाया था रिपीटेशन इसीलिए मैं प्रीवियर क्वेश्चन यहां कराता हूं क्वेश्चन सोल्व हमेशा मेरे साथ करो ताकि हम पेपर के एग्जामिनर के दिमाग को समझ पाए वो क्या सोचता है किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एनी क्रिस्टल इंडिसेस ऑफ द फेस इज अरे वाह इसने तो हमें एक स्टेप करके दे दिया इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसमें हमने खुद वीज इंडिसेस को पहले फाइंड आउट किया था इसने वीज इंडिसेस को फाइंड आउट करके ही दे दिया तो इसका मतलब अब हमें तो क्या करना है रेसिप्रोकल लेना है और फ्रैक्शन को रिमूव करना है जल्दी से बताइए भाई क्या होगा कौन सा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जल्दी से सभी बच्चे लिख दीजिए ट्वेंटी वन का क्या आंसर होगा ट्वेंटी वन का वेरी गुड बेटा वन बाई टू वन बाई फोर वन बाई थ्री वैसी प्रोकल ट्वेल्व से मल्टीप्लाई कर दो सिक्स थ्री ओ, -ओ. चलिए भैया तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करना होगा एनीवेज कितने क्वेश्चन कर लिए ट्वेंटी वन कल की क्लास में बीएसयू के थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हुए हैं क्योंकि बीएसयू के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ही ट्वेंटी सेवन है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक ही क्लास में हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब नेक्स्ट क्लास मेरी ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री की है वो है आठ बजे एनअमी पे अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो पढ़िए लेकिन रात को दस बजे हम सोलिस्ट्रेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि स्लाइटली हायर लेवल के होंगे तो उनको आप देख सकते हैं अकेडमी ऐप पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए अपनी लाइफ में मेहनत करते रहिए ठीक है बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और सोलिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपको रेडी रखना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के लिए डीयू वो है केमिकल इक्विब्रियम आयनिक इक्विब्रियम एंड फेज इक्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है डी के लिए बी के लिए तो इसके प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ेंगे तो सोलिस्टेट के बाद उसी को रिवाइज करके आप लोग आगे रखेंगे तो कल एग्जैक्ट फाइव बी दोबारा मिलेंगे जो ये क्वेश्चन बचे हुए हैं एंड डी यू के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे बाय बाय एवरीवन टेक केयर ठीक है